आपका स्वागत है। आज मैं आपको अम्लपित्त एसिडिटी के बारे में बताऊंगा। एसिडिटी में क्या होता है? एसिडिटी में प्राय लोगों को खट्टी डकारें आती हैं और जी मिचलाता है, खाने का मन नहीं करता और खाने से अरुचि हो जाती है। इसके लिए आप क्या करें? बहुत छोटा सा उपाय है, खाना खाने के बाद सुबह शाम एक एक लौंग मुँह में चूसें, उससे आपके अम्ल पित्त से होने वाले रोगों में लाभ होगा और आपका जो पित्त बनना है, खट्टी डकारें आ रही हैं, वो कम हो जाएंगी। दूसरा तरीका है, रोज़ाना सुबह शाम आपने छोटी सी गुड़ की डली लेनी है 10 ग्राम के बराबर, मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसनी है। इससे आपके मुंह की खट्टी डकारें आने बंद हो जाएंगी और अम्ल पित्त अगर एसिडिटी हो रही है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। पेट में अगर वायु विकार है उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपके मुंह में पेट ख़राब होने की वजह से छाले हैं तो वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। गुड़ जो है थोड़ा बहुत अगर खाने के बाद यूज़ करें तो हृदय की दुर्बलता को भी ठीक करता है। शरीर में अगर शिथिलता आ रही है तो उसमें भी यह लाभकारी होता है। तीसरा तरीका है कि आप काली अरहर का चूर्ण 2 ग्राम के बराबर, आधा चम्मच के बराबर लेंगे वजन का, और गुड़ में मिलाकर खाएं, ऊपर से पानी पिए। प्रतिदिन आपने ये शाम के टाइम में खाना खाने के आधा घंटे बाद केवल 3 दिन के लिए प्रयोग करना है। इससे अम्ल पित्त हमेशा के लिए आपका नष्ट हो जाएगा, एसिडिटी जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।